लोकसभा की तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं आप, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक दीपेंद्र को हराने की बात कर रहे हैं। देखिए वो तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, लेकिन हर तरह से हम तैयार हैं और केवल यहाँ रोहतक नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और स्वीप करेगी। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, काफी चर्चाएं हैं, होती रहती है, हमारे नेता हैं, प्रधान हमारे, राजनीतिक चर्चा होती रहती है। संगठन में कुछ बदलाव की हरियाणा में? देखिए वो तो मैंने बता रखा आपको, वो तो उन्होंने करना है, लेकिन और बहुत राजनीतिक, हरियाणा की राजनीति बारे में, देश की राजनीति के बारे में चर्चा हुई। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर जेजेपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को हरा सकते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। देखिए केजरीवाल जी अपने वहाँ तो हैं, कामयाब हुए नहीं, आप पिछली बार भी लड़े थे और हरियाणा का सुझाव दे रहे हैं। जहाँ तक जेजेपी का सवाल है, वो तो कोई पार्टी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। एक बाई इलेक्शन में जो उनकी उसकी पार्टी की सीट थी, कुछ वोट लेके वो पार्टी नहीं हुए, वो भी तो पार्टी बनी नहीं। वो दूसरी आप पार्टी है, वो पिछली बार चुनाव लड़ा था उन्होंने। जहाँ तक हमारा सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस को किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई राष्ट्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय स्तर पे कोई फैसला हो, सबको मानना पड़ता है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। मुख्यमंत्री का रोड शो था और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने रोड को गंगा जल से धोया है। कहाँ पर? बल्लभगढ़। अब गंगा जल कहाँ से लाए, वो जमुना से लाते तो हम समझ भी जाते हैं। ये सब इनके प्रचार करते हैं। एक गंगा जल से धोया, उससे पहले वहाँ विकास करा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ जी, वो उड़ गंदा कर दिया था। अब 5 साल से रोड गंदे कर दिए, इस वास्ते साफ कर रहे हैं।